हेलो डियर स्टूडेंट, सीबीएसई ने अपना जो टर्म वन एग्जाम है उसमें जो ओएमआर शीट यूज करने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब वो बहुत बड़ा बदलाव क्या है और किस तरह से बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और उन 4 ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होता है जिसको आपको टिक करना होता है या सर्कल करना होता है। लेकिन सीबीएसई ने इस बार 4 ऑप्शन की बजाय 5 ऑप्शन दिए हैं। अब वो 5th ऑप्शन जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, वो ब्लैंक ऑप्शन होगा। वो ब्लैंक ऑप्शन आपको किस प्रकार से मदद करेगा ये मैं आपको बताता हूं। तो चलिए मैं आपको पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाता हूं कि किस तरह से वो 4th जो 5th ऑप्शन है वो किस प्रकार से आपकी मदद करने वाला है। तो इस समय आप अपने एग्जाम की ओएमआर शीट देख रहे हैं। इस ओएमआर शीट को किस प्रकार से फिल किया जाता है, कौन कौन सी सावधानी इसमें रखना चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के वीडियो के लिए। यहाँ पे आप देख रहे कि बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको मालूम है कि 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उस 50 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन दे रखा है। इसी टाइप से अगले वाले में ब्लैंक ऑप्शन, हर क्वेश्चन के बाद एक 5th ऑप्शन भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके 5 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन तो आपके 4 ही होंगे, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन एक्स्ट्रा क्यों दे रखा है उसके मैं बताता हूँ। होता क्या है, कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत लिख देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं कि आपका थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन का आपने क्या करा कि बी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। ये आपको लगा कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट है और आप आगे चले गए। अगला क्वेश्चन किया आपने, मान ली 7th क्वेश्चन किया, उसका ए ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा था, आपने उसका ए ऑप्शन को भी फेल कर दिया। फिर आप गए 25 नंबर के क्वेश्चन पे, उसको आपको बी ऑप्शन को करेक्ट लगा था तो आपने बी ऑप्शन पे करेक्ट कर दिया, यानी कि इस ब्लैंक को फिल कर दिया, ये सारे ऑप्शन आपने लिख दिए। लेकिन आपको ध्यान आया कि यार जो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर बी नहीं था बल्कि सी था। अभी तक क्या होता था कि एक बार आपने कोई आंसर को गलत टिक कर दिया, गलत फिल कर दिया, तो उसको आप सही नहीं कर सकते थे। लेकिन सीबीएसई ने इस बार क्या किया है कि एक 5th ऑप्शन ब्लैंक वाला दिया है जहां पर आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है और उसका बी ऑप्शन आपको अब लगा कि सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको कैंसिल कर देंगे ना, कट कर देंगे, और आपको लगता है कि इसका सी आंसर करेक्ट है, तो ये जो ब्लैंक दिया है एक सर्कल, इसके अंदर आप सी लिख देंगे। ठीक है, फिर आप गए 25th क्वेश्चन पे और आपको लगा कि यार इसका बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट नहीं था बल्कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, तो आप फिर बी जाएंगे और बी को पहले कट करेंगे और ये जो ब्लैंक है उसके ऊपर लिख देंगे आप ए। इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन अगर आपकी गलत हो जाए तो आप इस तरीके से उनको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि आपने, आपको बी पहले लगा फिर सोचने बी नहीं है इसका तो सी करेक्ट था, फिर उसको कट करके आप 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि एक ही ब्लैंक दे रखा, उसमें एक ही बार आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो ये सुविधा, बहुत बड़ी सुविधा दी है इस बार सीबीएसई ने, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो कटने से बच जाएंगे। क्योंकि गलती से होता क्या है कि एग्जाम में बहुत हमको जल्दबाजी रहती है, हमको उस टाइम के ड्यूरेशन में पूरा खत्म करना रहता है पेपर को, कभी कभी हम गलती से गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं और फिर वो सही नहीं कर सकते, लेकिन इस बार से आप उस ऑप्शन को भी सही कर पाओगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अवश्य मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।